हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी को टॉपिक स्टडी चैनल पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 12 नवंबर की करंट अफेयर्स। सबसे पहले जितने भी उच्च न्यायालय हैं, कुछ कुछ वहाँ के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो हम उनके बारे में देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन सबको पढ़ने का मतलब क्या है कि लाइक हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ों से भी हम अवगत हो जाते हैं कि हाँ अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, किस उच्च न्यायालय के, ठीक है। तो श्री गोविंद माथुर जी जो हैं वो अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो गए हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति एपी शाही को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमें ये जानना है कि एपी शाही जी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो ये है पटना, ठीक है। अब से पटना के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है श्री एपी शाही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यायमूर्ति एस के सेठ को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति एस के सेठ जी जो है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, संजय करोल जी जो है ये त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पहले कहाँ के थे? ये पहले थे हिमालय के, हिमाचल के, सॉरी। तो ये तो हो गई, जस्ट ये हमें एक बार अवगत हो जाना है कि हाँ ये न्यायाधीश ये न्यायालय के हुए हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। चीन ने यूरोसाई के साथ साइबर कनेक्ट करने के लिए बीजिंग के ड्राइव के हिस्से के लिए किस देश को डिजिटल पार्टनर के रूप में शामिल किया है? इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है कि चीन जो है वो एक साइबर कनेक्ट करने के लिए किस देश को डिजिटल पार्टनर के रूप में अपने साथ रखी है, तो ये है हमारा भारत। भारत जो है चीन के साथ पार्टनर हो गया है, वो साइबर कनेक्ट करना चाह रही हैं बीजिंग में, तो वो ड्राइव के हिस्से में, तो बस इतना ध्यान रख लेना है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ये भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां विश्व इंटरनेट सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये हो गया चीन। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, चीन। चीन में 5वां इंटरनेट सम्मेलन, विश्व इंटरनेट सम्मेलन अभी अभी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दुनिया का पहला देश बन गया है वो जिसने विषैली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। देखिए, सनस्क्रीन जो है, अगर इसे इंग्लिश में कोरल रीफ जो हम पढ़ते हैं ना, उसी की बात यहाँ की जा रही है। तो ये विषैली सनस्क्रीन जो होती है उस पर किस देश ने बैन लगाया है? तो ये हो गया पलाऊ। हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, पलाऊ। नेक्स्ट वन, केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधों ने के सुगंधित तेलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रेग्रेंट मटेरियल्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो यहाँ हस्ताक्षर किनके किनके बीच में हुआ है? एक तो हो गई केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधों, ठीक है, कि जो एक संस्था है, उन्होंने जितने भी सुगंधित तेल होते हैं ना, उनकी गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए, उनमें सुधार के लिए, वो किस देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फ्रेग्रेंट मटेरियल्स के साथ उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है अमेरिका। ध्यान रखना है, सुगंधित तेलों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस दिन शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया? तो विश्व विज्ञान दिवस हमने 10 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया गया है, ताकि देश में शांति और शांति बनी रहे, विकास के नए अवसर प्रदान किए जा सके। इस उद्देश्य से हम शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो क्या है? नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। अब इसे इन्हें किसे दिया गया है? तो ये है जवाहरलाल सरीन। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, जवाहरलाल सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रीडम पत्रकार ने साहस के लिए 2018 लंदन फेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? देखिए, ये हमारे भारत के पत्रकार हैं, इन्हें 2018 के लंदन फेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया है। इनका नाम है स्वाति चतुर्वेदी, ये हमारी भारतीय पत्रकार हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, स्वाति चतुर्वेदी, जिन्हें 2018 के लंदन फेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
किसे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन हो गया ए, अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मेडागास्कर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर गणराज्य, ठीक है, और वहाँ के हमारे भारत से जो नेक्स्ट एम्बेसडर, मतलब नेक्स्ट अगला राजदूत जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अभय कुमार। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, अभय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश की राज्य संचालित प्रेस एजेंसी सिन्हुआ ने दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धि एंकर का अनावरण किया जो अंग्रेजी और चीनी में समाचार पढ़ सकता है? ये थोड़ी सी रोचक खबर है। देखिए इसमें हुआ क्या है कि ये देश है जहाँ की प्रेस एजेंसी है उसका नाम है सिन्हुआ, ठीक है, और वहाँ उन्होंने कृत्रिम बुद्धि एंकर का अनावरण किया है। कृत्रिम बुद्धि मतलब ऐसे क्या होते हैं जो एंकर्स होते हैं जो हमें न्यूज़ पढ़ के सुनाते हैं, तो वो सारे तो हम ह्यूमन बींग ही होते हैं, ठीक है, इंसान ही होते हैं, पर अभी उन्होंने ना एक कृत्रिम बुद्धि एंकर बनाया है, एक कृत्रिम एंकर बनाया है जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ये समाचार पढ़कर सुनाएगा वहाँ की प्रेस एजेंसी सिन्हुआ में। ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई है। तो ये है चीन, देखिए चीन की प्रेस एजेंसी है जिसका नाम है सिन्हुआ, और वहाँ दो कृत्रिम बुद्धि एंकर बनाए गए हैं जो एक अंग्रेजी में समाचार पढ़ के सुनाएंगे और एक चीनी में, ठीक है। तो ये हो गया देश चीन, तो ये चीज़ें समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं के पता लगाने और विनाश के लिए फ्लोरोसेंट कार्बन नैनो डॉट विकसित किए हैं? ये जो फ्लोरोसेंट कार्बन नैनो डॉट है इससे अगर बॉडी में कैंसर है या नहीं इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये शोधकर्ता कौन से आईआईटी के हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना ये कौन से आईआईटी के हैं? तो ये है आईआईटी रुड़की। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ता है जो कैंसर कोशिकाओं को पता लगाने में मदद किए, मतलब उन्होंने खोजा है, नैनो डॉट उन्होंने विकसित किए हैं। तो ऑप्शन हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? देखिए ये तो हम सब जान रहे हैं कि नंबर वन पर चीन है स्मार्टफोन बाजार की अगर हम बात करें, चाइना है, ठीक है। तो अब ये दूसरा देश कौन है जिसने अमेरिका को पछाड़ दिया है? तो ये है हमारा भारत। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर चल गया है। तो ऑप्शन हो जाता है ए, भारत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के अनुसार कौन शहर भारत का सबसे ज़्यादा घिरा हुआ शहर बन गया है? देखिए राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो ने अपनी एक सूची निकाली है, अपनी रिपोर्ट निकाली है, उससे भारत का वो कौन सा शहर है या भारत का कौन सा सिटी है जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है? तो ये है बैंगलोर, ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा में सरकारी स्कूल और क्रमिक स्थान प्रणाली के लिए जीपीएस मैपिंग की शुरुआत की है? देखिए जितने भी सरकारी स्कूल है ना वहाँ पर जीपीएस मैपिंग स्टार्ट किया गया है, जीपीएस से जो पता लगाया जा सकता है सारी चीज़ें। तो ये मैपिंग जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट की है? तो ये हमें ध्यान रखना है, ये किस जगह के, तो ये है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, और उन्होंने कोहिमा में जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है और वहाँ के जो क्रमिक है स्थान प्रणाली के लिए जीपीएस मैपिंग की शुरुआत की है। तो ध्यान रखना है ये जीपीएस मैपिंग हुई कहाँ है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये नागालैंड में हुई है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्वामित्व वाली एनबीसीसी दैट इज राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है, ने अस्पताल सेवा परामर्श निगम को खरीदने के लिए किस मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए एनबीसीसी जो होती है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है, और उन्होंने अस्पताल सेवा परामर्श निगम को खरीदना चाहती है, तो वो किस मंत्रालय के साथ उन्होंने हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।